अ चार्ज मेटालिक स्फीयर ए इज सस्पेंडेड बाय नायलॉन थ्रेड। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, यहाँ से एनसीईआरटी से मतलब 42 से एनसीईआरटी चालू हो जाती है। तो एक चार्ज नायलॉन थ्रेड से लटकाया हुआ है, उसको चार्ज कर दिया ए, ठीक है। फिर अदर चार्ज मेटालिक स्फीयर बी इज हेल्ड बाय एन इंसुलेटिंग हैंडल इज ब्रॉट क्लोज टू ए सच दैट डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक और आपने लेकर आया इंसुलेटिंग, मतलब ये कह सकते हैं कि आपने एक बिसलेरी की बोतल पे रख दिया, तो इसे इंसुलेटिंग स्टैंड मान लीजिए टेबल पे। चलिए, और इनके बीच ये पॉइंट बी और इनके बीच की दूरी जो है ये कैसा था, अनदर चार्ज मेटालिक, तो ये भी मान लीजिए, ये क्यू ए ले लीजिए और ये क्यू बी ले लीजिए, हमें साइन की जरूरत नहीं है, बना दिया। अब आगे कहानी बढ़ाते हैं। द रिजल्टिंग सेपरेशन ऑफ ए इज नोटेड, स्फीयर्स ए एंड बी आर नोटेड, तो सेपरेशन देख लिया इनका। द रिजल्टिंग रिपल्शन लिखा है, सॉरी, द रिजल्टिंग रिपल्शन ऑफ ए इज नोटेड। आइए इनका रिपल्शन निकाल लेते हैं। अभी एफ वन मान लेते हैं इसको, के क्यू ए क्यू बी बाय 10 सेंटीमीटर है ना, 10 का स्क्वायर, मैं मीटर में कन्वर्ट नहीं कर, चलो कर लो, चलो करना है तो कर लो, -4 आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, स्फीयर ए एंड बी आर टच्ड बाय अनदर चार्ज स्फीयर सी एंड बाय अनचार्ज स्फीयर्स सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। तो ए को हमने चार्ज टच कराया सी से, बी को टच कराया डी से। चलिए, टच कराने के बाद क्या कंडीशन आई, अगर दोनों सेम साइज के दिए हुए हैं, ठीक है, और इनके बीच की सेपरेशन फिर 5 सेंटीमीटर कर दी गई टच कराने के बाद। टच कराने के बाद आधा आधा बढ़ जाएगा, सेम साइज में आधा आधा दूसरे को मिल जाता है। ब्रॉट क्लोजर टू ए टू अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर बिटवीन द सेंटर्स। अब हमने डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर कर दिया। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिपल्शन ऑफ ए ऑन द बेसिस ऑफ कूलम्स लॉ। अब ये एंड में दिया हुआ था, स्फीयर्स ए एंड सी एंड स्फीयर्स बी एंड ए एंड सी एंड बी एंड डी हैव आइडेंटिकल साइजेस, ठीक है। वो पहले मैंने उस बात को कंसिडर कर लिया है क्योंकि वो क्वेश्चन मेरा पढ़ा हुआ है कि साइजेस सारे सेम है, जब साइजेस सेम होते हैं तो टच कराने पर आधा आधा बढ़ जाता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि क्यू ए प्लस 0/2 विल बी क्यू ए बाई 2 होगी, सी के पास तो चार्ज ही नहीं था तो अब क्यू बाई 2 आ जाएगा, तो यहाँ लिख दिया मैंने। अब नया फोर्स F2 से लिख लेते हैं, के क्यू वन क्यू सॉरी क्यू ए क्यू बी डिवाइडेड बाय 5 है ना, इसको 4 से कर दो डिवाइड, क्योंकि अब क्यू ए बाई 2 है, क्यू बी बाई 2 है, डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 10 पावर -4। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, कितना रहे, F2 इज इक्वल्स टू के क्यू ए क्यू बी, 25 × 4 100, 10 का स्क्वायर लिख लें, 10 की पावर -4। आप देख सकते हैं दोनों फोर्सेस सेम आए हैं, तो क्या आंसर लिखें, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिपल्शन ऑफ सेम एज बिफोर। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी ने बस ध्यान रखने के लिए बनाया है कि प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पे भी वही, जो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पे और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस यूनिवर्सिटी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस पे भी फोर्स डिपेंड करता है। तो इसी बात को बहुत ज़्यादा गौर से दिखाने के लिए हमने क्वेश्चन बनाया, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, इतना बड़ा राइटअप मुझे इसके देखा कि कितना लिखना पड़ा, ठीक है ना। तो आप देख, वेरी सिंपल क्वेश्चन।